यहाँ पे एक फंस गए हैं हम दोस्तों। एक ले जाते मे खड्डे एक तरी गेले रहते हैं। एक मिनट हम उतर जाए आणि मग आजारी पडलं का मग उचलून न्यायचं खाट्यावर खांद्यावर। अरे बाबा रिक्षा पण नाहीत ना छोटासा पाडा आहे तुमचा। किती घर आहेत? आहेत 7-8। लाईट आले नाही? हॅलो एव्हरीवन, यू आर वॉचिंग मोटर ऑफ हार्ट। लेट मी इंट्रोड्यूस टू माय मॉम अँड डॅड। ही इज माय डॅड, से हॅलो। हॅलो। अँड शी इज माय मॉम। हॅलो। या तो आज की जर्नी एक अनप्लान जर्नी है। ऐसे ही मैंने प्लान किया कि आज जाएंगे बाहर, और ये लोकेशन जो है वो मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ पे है और कैसा है। सिर्फ मैप के ऊपर देखा है कि एक लोकेशन है। बाय द वे लोकेशन है पाली खोपोली रोड के बीच में, और मुझे नहीं पता अब वहाँ पे क्या होने वाला है और वो लोकेशन कैसा होने वाला है फॉर श्योर। तो लेट्स गो देयर। आप भी हमारे साथ बनिए रहेगा और जाएंगे वहाँ पे और देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे वहाँ पे, क्योंकि ऐसे जर्नी में ही मज़ा होता है जिस डेस्टिनेशन को हमें पता नहीं होता है। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स गो फॉर एक्सप्लोरिंग। अब आए हम नागोडना में, और यहाँ पे हम थोड़ा रुकेंगे। यहाँ पे हमारा थोड़ा एक काम है वो निपटाएंगे और निकलेंगे पाली की ओर, क्योंकि समय था दोपहर का और हमें लगी भूख। अब यहाँ पे हम खाना खाएंगे और उसके बाद आगे के सफ़र के लिए निकलेंगे। अब हम रुके हैं खाना खाने, होटल गुलमोहर नाम का एक होटल है ये। कैसे जाओ मम्मी? छान है। अच्छा है। बहुत बढ़िया है। अच्छा है, जीवन अच्छा। इनका तो शुरू हो गया है खाना, मैं भी टेस्ट कर लेता हूँ थोड़ा। नाइस। अब यहाँ से पाली का रोड शुरू होता है। एक खूबसूरत रोड है ये, साइड में एक रिवर बह रही है और बीच में हम लेफ्ट साइड में मेरे पहाड़ है। मस्त रोड है ये गाड़ी चलाने के लिए। ऊपर आपको ये जो पहाड़ दिख रहा है, ये पहाड़ नहीं है, तो ये किला है, फोर्ट है ये, जिसका नाम है सुधागढ़ फोर्ट। और ये पाली गांव के नज़दीक ही है, मतलब पाली गांव इस फोर्ट के नीचे ही है। और ये फोर्ट काफ़ी अच्छा फोर्ट है ट्रेकिंग के लिए, बहुत फेमस फोर्ट है पाली में। जब अगर भी आप आओगे यहाँ पर, आप ट्रेक भी कर सकते हो। इसके साथ पाली में आपको अष्टविनायक गणपति में से बल्लारेश्वर गणपति भी है, और उन्हेरे में एक गर्म पानी का कुंड भी है। तो आप ऐसे जगह पे पाली में विज़िट कर सकते हो। अब यहाँ से हम एक राइट लेंगे और राइट में हम जाएंगे, ज्वाइन करेंगे पाली खोपोली रोड को। वहाँ से उसके बाद हमें राइट लेना है। यहाँ से शुरू होता है पाली खोपोली रोड। अब हमें कुछ किलोमीटर्स ड्राइव करना है, वहाँ से हमको राइट लेना है अपने डेस्टिनेशन को जाने के लिए। और हमें राइट लेना है यहाँ से। कंटिन्यू फॉर 1.5 किलोमीटर्स। 1.5 किलोमीटर अब ड्राइव करने को कह रहे हैं हमें गूगल बाबा।
मुझे पर्सनली ऐसी जगहों पे गाड़ी चलाने को अच्छा लगता है, कंट्री साइड जहाँ पे गांव हो, अच्छा लोकेशंस होते हैं वहाँ पे रोड के दोनों ही साइड, नज़ारा काफ़ी अच्छा होता है हर बार और एक सुकून मिलता है दिल को गाड़ी चलाने का। यहाँ पे एक फंस गए हैं हम दोस्तों। यहाँ पे गड़बड़ है थोड़ा, ये ऊंचा लग रहा है अपने टियागो के लिए। रिवर्स ले रहे हैं और गांव की ओर से जाएंगे क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लगता टियागो के लिए आसान होगा। तो अब हम आए मेन रोड के ऊपर, ये बेटर ऑप्शन है हमारे टियागो के लिए। यहाँ पे मेरे पास हिमालयन होती आज तो हम वहाँ से निकल जाते, लेकिन अब हमें ये अच्छे रास्ते से जाना पड़ेगा। A few moments later. डैमवर जाला रास्ता कुठे आहे? हां हां इकडून आहे। कसा सांग ते मॅप वर इकडूनच सांगते। तिकडून पण आहे गाडी जाते, तिकडून तिकडून गाडी गेली असती कुठं ना जो है काइंड ऑफ ऑफ रोडिंग रोड, आज टियागो की ऑफ रोडिंग होने वाली है। पूरा ऑफ रोडिंग रास्ता, कच्चा रास्ता है बहुत ही, थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है टियागो के लिए कि गाड़ी को ग्राउंड क्लियरेंस तो है ठीक ठाक, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप ऑफ रोडिंग में चला सको। सावधान रहना पड़ेगा। गाड़ी अभी पार्क कर दी हमने, अब यहाँ से आगे ऊपर थोड़ा चलना पड़ेगा। यह कोणगांव विलेज और आज जो डैम में जा रहे हैं हम उसका नाम है कोणगांव डैम। तो यह है कोणगांव डैम। अब समर का मौसम है इसकी वजह से यहाँ पे पानी इतना भरा हुआ नहीं है। जब बारिश होती है तो ये डैम पूरा हो जाता है, फुल हो जाता है उसके लिमिट तक। नज़ारा काफ़ी अच्छा है। पीसफुल ये जो पहाड़ है, ये सब पहाड़ है एम्बी वैली के,
मीन्स एमबी वैली दूर है यहाँ से, लेकिन ये जो डायरेक्शन और ये जो पहाड़ों की लाइन है वो लोनावला की ओर ही डायरेक्टेड है। और इस साइड है पाली और इस साइड है खोपोली। तो घूम के ये लोनावला बहुत नज़दीक है इस लोकेशन से, क्योंकि इस साइड खोपोली है, तो खोपोली लोनावला और जहाँ पे हम खड़े हैं ये जगह। अजून पण आता नाही, पाऊस पडला नंतर। आणि आता तुमच्याकडे आता तरी काय रिक्षा येते? नाही मग तुम्हाला पावसाचं पाणी येत नाही तिकडं? नाही नाही धरण भरल्यावर नाही एवढा नाही येत, विहिरीला लागतं पाणी। विहिरीला लागतं? विहिरीला विहीर आहे वाटतं त्यांची तिथं। आणि मग आजारी पडलं का मग उचलून न्यायचं खाट्यावर? हां खांद्यावर। हां अरे बाबा, रिक्षा पण नाहीत ना? नाही छोटासा पाडा आहे तुमचा, किती घरं आहेत? आपने सुना आदिवासी महिला बात कर रही थी मेरी मम्मी के साथ, मेरी मम्मी उसका इंटरव्यू ले रही थी एक्चुअली। लेकिन उसने उस बातचीत के दौरान कहा कि मराठी में कहा कि जब यहाँ पे कोई बीमार पड़ता है तो उनको अभी भी यहाँ से नीचे जाने के लिए कोई वाहन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। जैसे हम अभी आए, पूरा कच्चा रास्ता है, तो वैसा ही उनको अभी भी कोई बीमार पड़ता है, कोई परेशानी होती है, कोई मतलब प्रेग्नेंट होती है औरत, अभी भी उनको यहाँ से नीचे जाने के लिए उनको उठा के लेके जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है। और ये आदिवासी लोग हैं वो इन पहाड़ों में रहते हैं, तो काफ़ी मुश्किल है ज़िंदगी यहाँ पे। सुंदर सा नेचर तो है, लेकिन उसके साथ आपको सुविधा न होने का प्राइस पे करना पड़ता है। वीडियो करते यहाँ पे ख़त्म। मैं आपको मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा इस चैनल के ऊपर, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं ऐसे अन्य इंटरेस्टिंग ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय।